अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं आपके लिए एक और रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है दाल मखनी, जिसके लिए मैंने साबुत मसूर लिए हैं। एक मग जो है मैंने साबुत मसूर लिया है, एक कप मैंने जो है वो दही ली है, 2 टेबलस्पून मैंने क्रीम ली है, 2 टीस्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, 2 टेबलस्पून मैं बटर यूज़ करूँगी और 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने नमक का इस्तेमाल किया है और 2 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया पाउडर लिया है। और इसके अलावा एक जो है मैंने जो है अनियन जो है एक मीडियम साइज़ अनियन एक वो लिया है जिसको मैंने इस तरह काट लिया है। तो चलिए मैं इसको आपको बनाने का तरीका बताती हूँ जी। तो कुकर लेंगे और इसमें मैं जो है बटर डाल दूँगी, बटर को मेल्ट होने दें। जी तो बटर जो है वो मेल्ट हो चुका है, इसमें मैं अनियन डाल दूँगी और इसको अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि इसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। जी तो प्याज जो है वो फ्राई हो चुका है, इस तरह जब प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन सा हो जाए तो इसमें मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूँगी, अच्छे से मिक्स करूँगी। जी जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालने के बाद मैं इसमें जो 1 कप योगर्ट था वो ऐड करूँगी। योगर्ट ऐड करने के बाद मैं इसमें जो तमाम मसाले थे वो डाल दूँगी। जी तो योगर्ट जो है वो पक गया है, पकना स्टार्ट हो चुका था। अब इसमें मैं जो है साबुत मसूर जो है वो डाल दूँगी, इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मैं पानी ऐड करूँगी। वन मग मैंने डाल ली थी तो इसमें मैंने यही वाला 2 मग जो हैं वो पानी के डाल दिए हैं, उसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं जो है कुकर को बंद कर दूँगी। जी तो कुकर को मैंने इसका जो लिड है वो बंद कर दिया है और इसको अब मैं 10 से 15 मिनट के लिए कुक करूँगी और जो फ्लेम है वो मैंने बिल्कुल मीडियम रखी हुई है। जी तो 10 से 12 मिनट मैंने इसको कुक किया है और कुक करने के बाद मैंने जब गैस अच्छी तरह रिलीज़ हो गई तो मैंने कुकर को ओपन किया और अब इसमें मैं क्रीम जो है वो ऐड कर दूँगी। जी क्रीम ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। जी क्रीम अच्छे से मैं जो है वो मिक्स हो चुकी है, अब इसको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो दाल मखनी को मैंने डिश आउट कर लिया है और क्रीम से इसको डेकोरेट कर लिया है और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द एक और बहुत आसान रेसिपी के साथ आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।